बताएं जैन साहब, आज का स्टॉक आपका? वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, आज का स्टॉक एक बेहतरीन कंपनी है, गांधी स्पेशल ट्यूब्स लिमिटेड। देखिए ट्यूब्स का नाम आता है तो सडनली देखिए ये कुछ एक ऑटो इंसिलरी कंपनी के नाम पे मैं बोलूंगा कि ऑटो इंसिलरी कंपनी वैसे भी मैंने काफी रिकमेंड की और काफी जबरदस्त तरीके से सबने टारगेट्स भी अचीव किए हैं। तो ऑटो इंसिलरी में ये ऑटो कंपोनेंट्स बनाने की ये कंपनी 1959 से कार्यरत है और बहुत बढ़िया कंपनी है। सबसे बढ़िया बात है ये वेल्डेड स्टील ट्यूब्स और सीमलेस स्टील ट्यूब्स बनाती है और इवन एक पर्टिकुलर चीज में जो ट्यूब नट्स है उसमें तो पायनियरिंग एफर्ट्स भी है इस कंपनी के। सो कोल्ड फॉर्म ट्यूब नट्स, फ्यूल इंजेक्शन ट्यूब असेंबलीज और हाइड्रोलिक और ट्यूब असेंबलीज के लिए बनाती है। सो ओवरऑल बहुत ही यूनिक काम करती है ये कंपनी और इसलिए इस कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उसके बहुत हाई मार्जिन, लो वॉल्यूम हाई मार्जिन गेम ये कंपनी खेल रही है। आप देखिए किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑटो इंसिलरी यूनिट्स में जहां पे एकदम जबरदस्त कंपटीशन होता है कई सेगमेंट्स में, तो वहां पे इस कंपनी का 26.5% का नेट प्रॉफिट मार्जिन है और ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन करीब 40% के लगभग ओपीएम परसेंटेज। मतलब कोई फार्मा कंपनी हो तो समझ में आता है कि इतनी हाई परसेंटेज में काम करना। तो इस टाइप की एक मेटल बेस्ड ऑटो कंपोनेंट बनाने वाली कंपनी अगर ऐसा मार्जिन पे काम करती है तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है मुझे। 280-290 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी है और पी मल्टीपल सिर्फ 13-14 का है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड करीब 15-16 का है, जीरो डेट कंपनी सबसे बढ़िया बात। और उससे ऊपर डिविडेंड यील्ड देखिए आप कंपनी का 4.19%, मतलब 4% की डिविडेंड यील्ड, इंटरिम डिविडेंड्स रेगुलरली कंपनी देती है। पिछले दो सालों में इक्विटी भी रिड्यूस हुई है कंपनी की और 5-6 सालों में अगर प्रॉफिट की कैगर देखें तो 8-10% की ग्रोथ से कंपनी ग्रो किया रेट से। सो ओवरऑल मुझे ये कंपनी बहुत बढ़िया लगती है और मुझे लगता है और जिस तरीके का इस बार सितंबर का क्वार्टरली रिजल्ट्स था जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है देखना, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स था पिछले कुछ 7-8 क्वार्टर्स में से। मतलब पिछली बार सितंबर 2018 में ये 10 करोड़ का पैट था, फिर पिछले सितंबर में 6.70 करोड़ का पैट, क्योंकि पिछले कुछ 1.5-2 साल में ऑटो इंसिलरीज बहुत अच्छा नहीं कर रहे थे और अब वापस से जिस तरीके से ऑटो सेल्स और ऑटो नंबर्स आ रहे हैं तो ये सारी कंपनियां बहुत अच्छा कर रही है और सितंबर का क्वार्टर बहुत बेहतरीन था इनका। 8 करोड़ के लगभग का पैट था और 25 करोड़ का टॉप लाइन था। देखिए आप 100-125 करोड़ के पैट लाइन पे कंपनी 20-25 करोड़ का सालाना कमाती है, विच इज वेरी गुड एंड बहुत अच्छी मार्जिन वाली कंपनी है। और FIIs, DIIs का भी स्टेक है इसमें, FIIs करीब 1.25% स्टेक ओन करते हैं, एक बहुत ही रेप्यूटेड एक फंड है जो इसमें करता, तो उससे भी मुझे कौन। सो ओवरऑल आई फील कि इस कंपनी में बिल्कुल निवेशित रहना चाहिए, निवेश करना चाहिए लेवल्स पे 255 से 270 तक के टारगेट्स के लिए।